हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेनियल नर्व टेस्टिंग के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है और उनका टेस्टिंग कैसे किया जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। इन क्रेनियल नर्व को आपको किस तरीके से टेस्ट करना है, अगर किसी क्रेनियल नर्व की इंजरी सस्पेक्टेड होती है तो आप किस तरीके से टेस्ट करेंगे कि क्रेनियल नर्व इंजर्ड हुई है या नहीं हुई, तो आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में 12 क्रेनियल नर्व होती है। पहली होती है ऑल्फैक्ट्री, दूसरी होती है ऑप्टिक, तीसरी होती है ऑक्यूमुलेटर, चौथी होती है ट्रॉक्लियर, पांचवी होती है ट्राइजेमिनल, छठी होती है एब्डुसेंस, सातवीं होती है फेशियल, आठवीं होती है ऑडिटरी, नाइन्थ होती है ग्लोसोफेरेंजियल, टेंथ होती है वेगस, इलेवंथ होती है स्पाइनल एसेसरी और ट्वेल्थ होती है हाइपोग्लॉसल। तो अब बात करते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। अगर कोई क्रेनियल नर्व की इंजरी सस्पेक्टेड है तो आप ऑल्फैक्ट्री नर्व की, अगर आपको पहली क्रेनियल नर्व की टेस्टिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे, आप पेशेंट को बोलेंगे कि उसको कॉफ़ी देंगे पेशेंट को और उसको स्मेल करने के लिए बोलेंगे। अगर पेशेंट स्मेल कर पा रहा है प्रॉपरली तो आप ये मानेंगे कि ऑल्फैक्ट्री नर्व जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है। अब बात करते हैं सेकेंड क्रेनियल नर्व की टेस्टिंग आप कैसे करेंगे, जो कि होती है ऑप्टिक नर्व। आप पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी एक आँख को क्लोज करें, वन आई क्लोज करें, और उसके बाद उस पेशेंट को आपको कुछ रीड करने के लिए देना है। अगर पेशेंट रीड कर पा रहा है तो आप ये मानेंगे कि ऑप्टिक क्रेनियल नर्व सही से काम कर रही है। अब बात करते हैं कि जो ऑक्यूमुलेटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंस नर्व है वो कैसे काम कर रही है। अगर उसकी टेस्टिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, आप पेशेंट्स को आई मूवमेंट करने के लिए बोलेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक, और इसमें आपको नोटिस करना है कोई टॉसिस तो नहीं हो रहा है, यानी ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड तो नहीं हो रही है। अगर पेशेंट ऐसा कर पा रहा है तो आप ये कंफर्म करेंगे कि जो ट्रॉक्लियर, ऑक्यूमुलेटर और एब्ड्यूसेंस नर्व है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व की टेस्टिंग आप कैसे करेंगे। जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, यानी कि मैसेटर और टेम्पोरलिस, इनका कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए पेशेंट को कहेंगे। अगर पेशेंट ऐसा कर पा रहा है तो आप ये मानेंगे जो ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व है वो अच्छे से काम कर रही है। अब बात करते हैं फेशियल क्रेनियल नर्व को किस तरीके से आपको टेस्ट करना है, जो कि सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है। दोस्तों, आप पेशेंट को व्हिसल करने के लिए कहेंगे, सीटी बजाने के लिए कहेंगे, पेशेंट को विंक करने के लिए कहेंगे, पलके झपकाने के लिए बोलेंगे। अगर पेशेंट ऐसा कर पा रहा है ईजिली तो आप ये मानेंगे कि जो फेशियल क्रेनियल नर्व है वो अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि फेशियल नर्व मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होती है अगर पेशेंट विसल नहीं कर पा रहा है या विंक नहीं कर पा रहा है या अपनी आई को क्लोज नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो हमारी ऑडिटरी क्रेनियल नर्व है, यानी कि एट्थ क्रेनियल नर्व, अगर उसकी टेस्टिंग आपको करनी है तो आप कैसे करेंगे। आप पेशेंट को आई क्लोज करने के लिए कहेंगे और आप पेशेंट से कुछ कहेंगे और पेशेंट को आपको बोलना है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको आप आँखें बंद करके दोहराएं। तो दोस्तों, ऐसा करने पर पेशेंट अगर सुन पा रहा है, यानी कि ऑडिटरी क्रेनियल नर्व अच्छे से काम कर रही है। अब बात करते हैं जो हमारी ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व है, नाइन्थ और टेंथ वेगस क्रेनियल नर्व, उसकी टेस्टिंग आप कैसे करेंगे। पेशेंट को आप कुछ खाने के लिए देंगे, अगर वो स्वेलो कर पा रहा है, गिल पा रहा है, यानी कि हमारे जो ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व है और वेगस क्रेनियल नर्व है वो अच्छे से काम कर रही है। अब बात करते हैं हमारी 11th क्रेनियल नर्व के बारे में, जो कि है स्पाइनल एसेसरी, उसकी टेस्टिंग आप कैसे करेंगे। दोस्तों, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो मसल होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पेशेंट को बोलना होगा, क्योंकि स्पाइनल एसेसरी नर्व सप्लाई करती है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल को। अगर पेशेंट स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल का कॉन्ट्रैक्शन कर पा रहा है तो आप ये मानेंगे स्पाइनल एसेसरी नर्व अच्छे से काम कर रही है। अब बात करते हैं हमारी 12th क्रेनियल नर्व के बारे में, जो कि है हाइपोग्लोसल। इसकी टेस्टिंग अगर आपको करनी है तो सिंपली आपको पेशेंट को कहना होगा कि वो अपने टंग का मूवमेंट करे, अप डाउन, लेफ्ट राइट। अगर ऐसा करने पर पेशेंट इजीली अगर अपनी टंग को मूव कर पा रहा है तो आप ये मानेंगे कि हाइपोग्लोसल, यानी कि जो 12th क्रेनियल नर्व है वो अच्छे से काम कर रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको समझाया कि क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी में कितनी होती है और किस तरीके से इसकी टेस्टिंग की जाती है। अगर कोई क्रेनियल नर्व की इंजरी सस्पेक्टेड है तो आप किस तरीके से क्रेनियल नर्व टेस्टिंग करके पता लगा सकते हैं कि क्रेनियल नर्व
कौन सी क्रेनियल नर्व इंजर्ड है और कैसे उसकी आप टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।